डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मानव हक संघर्ष कृति समिति की ओर से एससी एसटी ओबीसी विजय एनटी एसबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों को मिलने वाली शिष्यवृत्ति में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आरोप करते हुए संगठन ने विधानसभा में दस्तक दी। आइए डालते एक नजर। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मानव हक संघर्ष कृति समिति के ये तमाम लोग आज यहाँ पर विधानसभा के ऊपर में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार। देखना चाहेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते ये लोग आंदोलन करते हुए नजर आ रहे। इस समय में ये तमाम पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद है जो कि विधानसभा के ऊपर में जाने के लिए तैयार है। इस समय में राहुल हमारे साथ में, राहुल ये बताइए कि क्या कहना चाहोगे। जिस तरह से शिष्यवृत्ति के नाम पे घोटाले हो रहे हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे हैं। आज शिष्यवृत्ति के नाम से शिक्षण शुल्क का जो जिस तरह से लूट हो रही है, हर महाविद्यालय शिक्षण शुल्क के नाम पे लूटा, हर एक को लूटते जा रहा है, हर विद्यार्थियों को लूट रहा है। इसलिए लूट रहा है क्योंकि समाज कल्याण विभाग उसको अनदेखी कर रहा है। शिक्षण शुल्क के बारे में हम जब समाज कल्याण विभाग से विभाग में हम उसकी कंप्लेंट डालते हैं, फिर भी समाज कल्याण विभाग उसको अनदेखी करता है। सर आप ये बताएं कि आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगे तो यह है कि भारत सरकार जो शिष्यवृत्ति योजना देती है वो महाराष्ट्र सरकार उसको लागू करती है। महाराष्ट्र सरकार ने लागू करने के बाद भी वो शिष्यवृत्ति जो आम गरीब बच्चा है उस बच्चे तक नहीं पहुंचती है, और जो बच्चा उस स्कूल के रोल पे नहीं है उस बच्चे के मुंह में चली जाती है। यह कितना बड़ा घोटाला है, यह 1000 का घोटाला नहीं है, 2000 का घोटाला नहीं है, अरे 5000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला है। और इसके लिए के वेंकटेश साहब के अध्यक्षता में एसआईटी बनाई है, और वो एसआईटी ने ये सारे घोटाले बाहर किए हैं और सरकार को रिकमेंडेशन भी किया है कि उसके खिलाफ कुछ करो। लेकिन बड़े दुख की बात होती है, एसआईटी ने ये रिकमेंडेशन करने के बाद भी उन जो महाविद्यालय है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ना प्राइवेट प्रशासन काम करता है, ना प्रशासन काम करता है, ना प्राइवेट संस्था काम करती है, ना शासन उसके ऊपर काम करता है। तो हमारा कहना इतना ही है कि ये जो हमारी सरकार है उस सरकार ने इसका पूरा संज्ञान लेना चाहिए, और जो लूट हो गई है, जो पैसा लूटा गया है वो सरकार के तिजोरी में जाना चाहिए, और जो गरीब बच्चे जो अतकरु बच्चे उनको वो पैसा मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? एडवोकेट राहुल तेलंग। तो आप वो एडवोकेट राहुल तेलंग जिन्होंने बखबीर विभाग से बात करते हुए ये कहा है कि कई करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। इस समय में शेवड़ी जी हमारे साथ में, शेवड़ी जी ये बताइए यदि सरकार ने आपकी मांगों को दरकिनार कर दिया तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? नहीं, ये तो शासन दरकिनार ये मांग को नहीं कर सकती, लेकिन ये जो डिमांड है ये तो सरकार का जो पैसा है ये प्रशासन वालों ने लूटे हैं। प्रशासन और जो कुछ शिक्षा सम्राट जिसको ये कहेंगे शिक्षण माफियों ने सरकार का ये पैसा लूटा है। और हम चाहते हैं कि जिन बच्चों के लिए ये पैसा चाहिए था, जिन बच्चों का पैसा है ये उन्होंने बोगस संस्थाएं बोगस स्टूडेंट बताकर करोड़ों का घोटाला किया, और ये बच्चों को मिलना चाहिए। क्या प्रूफ है आपके पास कि उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया, क्या प्रूफ है? ये तो यहाँ जो इंक्वायरी कमेटियां बैठी है, जैसे कि साहब ने अभी एसआईटी की बात की और वेंकटेश साहब ने भी जो संशोधन किया उन्होंने कहा कि करोड़ों का घोटाला हुआ है, लेकिन शासन और प्रशासन इनकी मिलीभगत होने से सत्ता में रहने वाले लोगों के स्कूल कॉलेजेस है और उन्होंने ये सारा घोटाला किया, इसलिए वो शायद चाहते कि वो वैसा ही दबा रहे। लेकिन ये जो एससी एसटी, क्या कहना चाहोगे सरकार? हम ये सरकार को ये कहेंगे कि भाई तुम्हारा जो पैसा है ये जो बोगस संस्थाएं बता के बोगस स्टूडेंट बता के जो लूटा गया वो उसको वापस लो, और जिनका हक है उनको दो। एससी एसटी ओबीसी एनटी विजय लोगों का ये जो स्कॉलरशिप है शिष्यवृत्ति है और निर्वाह भत्ता है ये उनको उनका मिलना चाहिए ऐसा लगता है। शुल्क लेना नहीं चाहिए। हाँ। तो बिल्कुल, जिस तरह से ये तमाम पदाधिकारी इन्होंने बात करते हुए ये कहा कि सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगे क्योंकि 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का करोड़ कई हजारों लाखों करोड़ का घोटाला इस शिष्यवृत्ति को लेकर हुआ है ऐसा इनका मानना है, और उसमें तमाम कैटेगरी के लोग आते हैं और वहाँ के जो विद्यार्थी उनको अब तक के ये जो सहूलियत है ये नहीं मिली है। सिर्फ स्कूल कॉलेज के जो संस्थान बड़े बड़े संस्थान होते हैं उन्होंने बोगस नाम दिखाते हुए कई विद्यार्थियों के पैसे हजम कर लिया है, डकार भी दे दिया है, मगर अफसोस कि सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है, जिसके चलते जो सही मायने में जो बच्चे पढ़ रहे हैं आज उनके ऊपर में ये अन्याय हुआ है ऐसा कहते हुए अब ये लोग विधानसभा में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।